हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने फंक्शन टॉपिक के मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस आपने भी किए होंगे। तो आज और क्वेश्चंस करते हैं हम, जो हो सकता है आपके डाउट में रहे। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं हम। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो है, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 9 to the power x माइनस 3 to the power x प्लस 1 इज, जो कि ऑप्शन दे रखे हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी टू जीरो या जीरो टू इंफिनिटी या 3/4 to infinity, जिसमें 3/4 इंक्लूड है। तो रेंज पूछा है हमसे, तो फंक्शन इस फॉर्म में दे रखा है। तो अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है, जो कि आप क्या करते थे, इसको वाई फॉर्म में ले जाके सिंप्लीफाई करते थे, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। आप इस टाइप से भी करना सीखिए, ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे। हमने पहले भी कुछ क्वेश्चन किए थे, तो देखिए वापस। देखिए अब क्या है, फंक्शन हमारे पास क्या है, 9 to the power x माइनस 3 to the power x प्लस 1। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, 9 to the power x को हम ऐसे लिखते हैं, 3 to the power x का स्क्वायर, ये पावर टू द पावर है तो ये मल्टीप्लाई होता है ना, 2x हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 9 to the power x को, और माइनस 3 to the power x ऐसे लिखा, प्लस 1, ये टर्म आ गया। अब अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसको x बोल दीजिए, कि x को आपने क्या बोल दिया, 3 to the power x, ये टर्म बोल दिया। तो आप इसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इस टाइप से बोल सकते हैं ना। ठीक है, आपने ये एज्यूम कर लिया कि लेट x इक्वल टू 3 to the power x। ठीक है, ये टर्म आपने मान ली। तो अब कैसे सॉल्व करें, अगर आप इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लेते हैं तो बेटर है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या था, जो स्क्वायरिंग टर्म है उसको कोफिशियंट क्या मान लें, प्लस का 1 होना चाहिए आपके पास, तो पॉजिटिव 1 है, और एक्स का कोफिशियंट जो भी है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां कोफिशियंट क्या था, 1, तो 1 को 2 से डिवाइड किया तो आप क्या बन गया, 1/2। तो एक बार 1/2 का स्क्वायर ऐड में कर देंगे और एक बार सबट्रैक्ट कर देंगे, ये टर्म हो गई। ये बताया था कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो अगर एक्स का कोफिशियंट माइनस में है तो इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और अगर प्लस में है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। कल लास्ट क्लास में भी हमने ये किया था, तो यह माइनस में बन रहा है। ठीक है, तो आएगा तो ये प्लस वाला ही। तो आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है, कि एक्स माइनस ये आपने लिया 1/2 का होल स्क्वायर, ये टर्म बन गया ना, आपने ये टर्म कंसिडर कर ली, ये कर ली, और 1/2 का स्क्वायर ये भी कंसिडर कर लिया। अब क्या बच रहा है, 1 माइनस 1/4, क्या बच रहा है, 1 माइनस 1/4 मतलब के 3/4, तो 3/4 पॉजिटिव कंडीशन में आ गया। ठीक है, अब जो आपने एक्स ले रखा था उसको वापस पुट कर दीजिए, क्या था, 3 to the power x, तो ये आपके टर्म बन गया 3 to the power x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4, ये आपका एफ एक्स आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है। क्लियर है, अब रेंज मतलब एक लिमिट है आंसर हमारी, लिमिट कहां से कहां तक, मतलब रेंज मतलब आपकी वैल्यू कहां से कहां तक लाया कर सकती है। तो अगर इसको हम देख रहे हैं, 3 to the power x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि स्क्वायरिंग फॉर्म तो आपको पता ही है ना कि वो क्या होगा, उसका मिनिमम आंसर क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर 0 से अबाव होगा। मिनिमम आंसर तो 0 ही होगा ना, अदरवाइज का आंसर क्या जाएगा, 0 से अबाव ही जाएगा। क्लियर हुआ, अब इस फंक्शन के साथ क्या ऐड और सेपरेट हो रहा है, 3/4, तो हमने 3/4 ऐड कर लिया बोथ साइड। तो 3 to the power x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। अब ये टर्म क्या बन गई आपकी, ये फंक्शन बन गया ना, मतलब कि एफ एक्स ये वाली टर्म क्या बन गई, पूरी एफ एक्स बन गया। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या लाया कर रही है, 3/4 या 3/4 से अबाव, और एफ एक्स को आप क्या बोलते हो, वाई बोलते हो, और वाई मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेट जब आप लेते थे एक्स कॉमा वाई, तो एक्स जा रहा था डोमेन के लिए और वाई किसके लिए जा रहा था, रेंज के लिए। तो आपकी रेंज आ गई 3/4 या 3/4 से अबाव, मतलब रेंज क्या जा रही है आपकी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या जा रही है, 3/4 इंक्लूड हो रहा है अप टू इंफिनिटी। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन, 3/4 या थ्री अप टू 3/4 से अबाव कहां तक, इंफिनिटी तक। क्लियर हुआ आपको, तो क्लियर रहना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको, कि रीअरेंज कैसे करना चाहिए। आया समझ में आज, क्लियर हुआ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 6। ये हमारे पास क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ये टर्म दे रखी है आपको, तो क्या बनेगा एफ एक्स कंडीशन, जो कि ऑप्शन दे रखे हैं माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू, माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू एंड 4 to infinity, या फिर 4 to infinity और डी ऑप्शन है माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू एंड 4 to infinity। ये ऑप्शन दोनों सेम हो गए, उसमें आपको थोड़ा सा चेंज होगा, ये आपके आप मान लीजिए यहां पर 4 to infinity। ठीक है, कि दोनों ऑप्शन सेम जा रहे हैं, तो अब देखिए क्या होगा इसके अकॉर्डिंग। तो आपके पास फंक्शन ये है, तो डिनोमिनेटर में है और रूट फॉर्म में भी है, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं आप, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता अगर ये न्यूमरेटर में होता। ठीक है, रूट के अकॉर्डिंग तो हम ये लेते, लेकिन ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो 0 से अबाव लेना पड़ेगा। अब अगर हमें दिक्कत आ रही है तो पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम वही कि अज्यूम कर लेते हैं इसको कि y मान लेते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या मान लिया, y मान लिया, तो ये y का स्क्वायर माइनस का y माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। अब ये टर्म बन रही है हमारे पास, क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का 2y माइनस 6, ये बन रहा है ना मिडिल टर्म स्प्लिट करने से, बन जाएगा ये y माइनस 3 आ जाएगा ये तो, और यहां क्या आ जाएगा 2 कॉमन लिया तो ये भी क्या बन गया, y माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो क्या फैक्टर बन के आ रहे हैं, y माइनस 3 एंड y प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। और y क्या है आपके पास, y है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आपके पास फॉर्म क्या बन गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 3, और ये आपके पास बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 2, ये टर्म हो गई ग्रेटर देन 0, ये टर्म आ रही है आपके पास। और अगर आप y के अकॉर्डिंग ये देख लेते हैं फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग या तो आपको क्लियर है ही, अदरवाइज आपको क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब y के अकॉर्डिंग देख लीजिए फिर वहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर्म लगा दीजिए, तो इसके अकॉर्डिंग आपका पास आएगा ग्रेटर देन फॉर्म है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 2, सॉरी 2 से लेस देन। ठीक है, और यहां पर आपके पास आएगा माइनस 2, सॉरी माइनस 2 से लेस, ये x प्लस 2 है ना, माइनस 2 से लेस देन, और यहां माइनस 3 है तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये कैसा है आप चेक कर सकते हैं नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्रेटर देन फॉर्म था, लेस देन था तो माइनस 2 से 3 के बीच में होता। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन था तो अब क्लियर है मिनिमम वैल्यू से बिलो जाएगा और ग्रेटर वैल्यू से अबव जाएगा, क्लियर है। तो लेकिन ये किसकी बात हो रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात हो रही है, लेकिन हमको चाहिए क्या डोमेन, डोमेन किसके अकॉर्डिंग देख रहे हम, एक्स के अकॉर्डिंग, एक्स क्या लेना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू माइनस 2 से लेस देन कब हो सकती है, जब आप एक्स की वैल्यू क्या लोगे, एक्स लेस देन माइनस 2, आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब इसका मतलब क्या है, यही है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस 2 से लेस देन, वो कब आ सकती है, अगर आपने माइनस 2.3 ले लिया, तो माइनस 2.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर में पुट कर रहे हैं आप, तो इसका आंसर क्या दे रहा है, माइनस का 3 दे रहा है ना, तो माइनस 2 से लेस देन हो गया। अगर अबाव पुट करते आप माइनस का 1.5, माइनस का 1.5 कर रहे तो क्या दे रहा था, ये माइनस 2, तो हमको तो इससे बिलो चाहिए ना, तो बिलो कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू आप क्या लोगे, माइनस 2 से लेस देन, तो इसके अकॉर्डिंग तो कंडीशन ये आ गई। और यहां कंडीशन आप क्या दे रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या चाहिए, 3 से अबाव चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दिक्कत आ रही है, तो वैल्यू पुट करके देख लीजिए, तो अगर आप 3 से अबाव, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया 3.4 ले लिया, तो 3.4 का मतलब आंसर क्या देगा, वो 3 देगा ना, तो आपको तो आंसर क्या चाहिए, 3 से अबाव चाहिए, तो मतलब आपको 4 point something कुछ आंसर चाहिए ना, 4.3 आपने पुट किया तो आंसर क्या मिला, 4 मिल रहा है ना, क्लियर है। और आप 3 point something पुट करोगे पॉजिटिव वैल्यू में तो वो आपको 3 देगा,
तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, आपकी वैल्यू 4 से अबाव होनी चाहिए। और 4 कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, कि 4 भी अगर आप लेते हैं तो भी तो आंसर 4 दे देगा वो, गेट इज इंटीजर में 4 पुट करेंगे तो 4 ही दे देगा ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू क्या आई कि x की वैल्यू 4 या 4 से अबाव होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन आ रही है आपके पास, तो क्या रिजल्ट मिल रहा है कि माइनस इंफिनिटी, x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 जो कि ओपन इंटरवेल में गया, माइनस 2 इंक्लूड नहीं है, एंड 4 टू इंफिनिटी जिसमें 4 इंक्लूड था और इंक्लूड नहीं करते तो ओपन इंटरवेल रहता 4 टू इंफिनिटी, तो दोनों ऑप्शन सेम थे। तो यहां पर हमारे पास क्या है, 4 इंक्लूड है, तो क्या मिल गया हमें, बी ऑप्शन मिल गया। क्लियर हुआ आपको कैसे करना है? तो ये जो भी फंक्शन पार्ट है, चाहे फ्रैक्शन पार्ट है, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, साइनम फंक्शन है, ये आपको ध्यान में रहने चाहिए, अदरवाइज दिक्कत आएगी हमें क्वेश्चंस में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आपको फंक्शन में तो मिल ही रहा है और अदर्स टॉपिक करेंगे उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसे कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, अगर 12th क्लास में पढ़ते हैं आप इस टाइप के चैप्टर्स तो आपको ये टॉप क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्म को ध्यान से क्लियर रखना कि इसको कैसे टाइप से ब्रेक करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि आपको अदर चैप्टर में भी हेल्प करेगा। इफ एफ सच दैट, मतलब एक फंक्शन है, किस टाइप का, रियल टू रियल पेयरिंग हो रही है इसकी, क्या इक्वेशन सेटिस्फाई है कि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, इसके अकॉर्डिंग ये हमें दे रखी है, इक्वेशन सेटिस्फाई फॉर्म करनी होगी हमको, इसी के अकॉर्डिंग कंडीशन बनानी होगी। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब x और y सब किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल वैल्यू, इसको आप कुछ भी ले सकते हैं। और f1 की वैल्यू हमें क्या कंडीशन दे रखी है, f1 की वैल्यू 7 दे रखी है, ये क्या हुआ, समीशन का साइन है कि आप f r ऐड करते हुए चलना है, कहां से, r की वैल्यू 1 से लेके n तक, ठीक है। और ऑप्शन क्या मिल रहे हैं आपको कि इनको ऐड कर रहे हैं, तो ऑप्शन क्या रहा है, 7/2 × n+1 या 7n × n+1 या 7/2 × n × n+1 या 7n/2। तो ध्यान रखिए, जो पहले क्वेश्चन में पूछा है हमने इसको देखा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, समीशन, ध्यान रखिए इसको क्या पूछा है इसने, एफ आर, तो r की वैल्यू 1 से लेके अप टू n तक पुट करना है, और समीशन मतलब उनको ऐड करते हुए चलना है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, अगर मैंने 1 पुट किया तो एफ 1 हो गया, 2 पुट करूंगा तो F2 हो जाएगा, ऐड करते हुए चलना है, ऐसे ही F3 F4 F5 ऐसे ऐड करते हुए चलना है, कहां तक चलेगा वो, N तक चलेगा। तो ये हो गया F N तक आप इसको ऐड कर रहे हैं, तो ठीक है ऐड तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज क्या है, तो यहां से F1 की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, 7 है, लेकिन F2 F3 F4 इनकी वैल्यूज क्या है, और ये वैल्यू आपको पता करनी होगी, जिससे एक सीरीज बनेगी, उसी के अकॉर्डिंग आप ये फॉर्म निकाल पाएंगे। क्लियर है? तो F1 की वैल्यू 7 है, अब इस रिलेशन को हम यूज करेंगे और फर्दर वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए यहां से 2 की वैल्यू चाहिए, तो यहां मैं क्या पुट कर रहा हूं, मैंने क्या पुट कर लिया कि एक्स और y की वैल्यू क्या कंसीडर कर ली, 1 पुट कर ली, x और y की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली, और इसके अकॉर्डिंग देख रहा हूं तो f1 + 1 = f1 + f1। क्लियर हुआ? तो यहां से मेरे पास f2 की वैल्यू आ गई, f1 कितना था, 7, और ये भी 7, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14। अब मेरे को 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 की कैसे निकलेगी, x की वैल्यू मैं 2 कंसीडर कर लेता हूं और y की 1, या फिर x की 1 y की 2, तो क्या हो जाएगा, इसको हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमें कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, f1 लिया तो f3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कितनी है, 2 की वैल्यू कितनी आई थी अभी हमने निकाल ली, 14 प्लस ये कितनी थी, 7, कितना आ गया, 21। ऐसे ही आप f4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपने दोनों को ही क्या ले लिया, 2 2 ले लिया, या फिर 3 3 3 1 ले लो, x को 3 ले लो और y को 1 ले लो, या दोनों को ही 2 ले सकते हो आप, तो कैसे निकाल रहे हो आप, f2 + f2 मतलब 14 + 14
ये कितना मिल रहा है आपको, 28। तो इस टाइप से वैल्यू मिलती जा रही है, तो 7, फिर F2 की वैल्यू 14 थी, F3 की वैल्यू 21, 28, इस टाइप से वैल्यू मिलती जा रही है अप टू कहां तक, ये 7 के मल्टीपल में चल रहा है ना, तो n पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7n। ये रहे, इस टाइप से फॉर्म मिल जाएगी आपको, क्लियर हो, 7 के मल्टीपल में जा रही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है इसमें हमको, 7 कॉमन आते हुए दिख रहा है, तो ये 7 कॉमन लिया आपने, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू कहां तक, n तक। तो 7 तो बाहर आ गया, और ये सीरीज आपको क्या दिख रही है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट नेचुरल नंबर अप टू n तक। तो क्या है, तो इसका सम किस फॉर्म में, ये एपी फॉर्म में, तो इसका सम क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, जो आप फॉर्मूला लगाते हैं, n बाय 2 टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या n बाय 2 ए प्लस एल, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। और बाहर ऑलरेडी क्या था, 7 था, और इसका सम क्या है, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, क्लियर है, एपी के अकॉर्डिंग सम ऑफ n टर्म्स इन एपी, तो क्या हो गया, 7n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 है ऑप्शन में, सी ऑप्शन मिल गया आपको। तो क्लियर हुआ पहले इस क्वेश्चन को कैसे किया हमने, इसको ध्यान में रखते हुए पहले तो इसको एक्सपेंड कर लिया, अब क्या क्या टर्म चाहिए थी, जो टर्म चाहिए थी वो हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते गए, फिर किस फॉर्म में सीरीज बन रही है वो हमने बना के कैलकुलेट कर लिया, क्लियर हुआ। और लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो और क्लियर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइड द फंक्शनल इक्वेशन एफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई माइनस एफ ए माइनस एक्स इंटू एफ ए प्लस वाई वेयर ए इज एनी कॉन्स्टेंट एंड एफ जीरो इक्वल टू 1, ये हमें कंडीशन गिवन दे रखी है। देन एफ टू ए माइनस एक्स, एफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि क्या है, या तो एफ एक्स के इक्विवेलेंट आ रही है, या माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्विवेलेंट आ रही है, या एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्विवेलेंट आ रही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है एफ ए प्लस एफ ए माइनस एक्स के इक्विवेलेंट आ रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि रियल वैल्यू फंक्शन पे इस टाइप से इक्वेशन दे रखी है, और इसको सिंप्लीफाई करने हमें आना चाहिए, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इस टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्या कर रहे हैं, एफ जीरो की वैल्यू हमें दे रखी है, तो जीरो वैल्यू यूज करते हुए हम किसकी, जैसे यहां ए कंडीशन दे रखी है, तो अगर ए की वैल्यू हमें मिल जाए तो इन फंक्शन पे हमें हेल्प मिल सकती है, अदरवाइज डी ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, जैसे हमने एक्स वाई की वैल्यू पहले कंसिडर की थी 1 1 इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो यहां क्या कंसिडर कर रहे हैं कि लेट एक्स और वाई की वैल्यू हमने क्या ले ली, जीरो ले ली, ठीक है। तो अब जीरो ले रहे हैं, तो इस फंक्शन जो कंडीशन दे रखी है इसको सेटिस्फाई कराते हैं कि एफ जीरो माइनस जीरो, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास एफ जीरो इंटू वाई भी क्या है, जीरो, तो ये बन गया एफ जीरो माइनस एफ ए माइनस जीरो इंटू एफ ए माइनस ए प्लस जीरो, ये कंडीशन बन रही है ना, ये टर्म आ गया हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या है, ये तो जीरो माइनस जीरो क्या बन गया, एफ जीरो रह गया, और अब एफ जीरो इंटू एफ जीरो ये क्या हो जाएगा, एफ जीरो का होल स्क्वायर इस टाइप से लिख सकते हो ना, माइनस ये एफ ए, यहां से एफ ए आया और यहां से भी एफ ए आ रहा है आपके पास, तो ये एफ ए का स्क्वायर बन गया। एफ जीरो की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, तो ये 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एफ ए का होल स्क्वायर, ये कंडीशन है। तो यहां से अब आप वैल्यू सब सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो क्या टर्म मिल रही है, 1 से 1 कंडीशन कैंसिल आउट हो गई, तो एफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एफ ए की वैल्यू क्या मिल गई यहां से आपको, 0 मिल गई। तो आपके पास एफ जीरो ऑलरेडी पता था और आपने एक वैल्यू और निकाल ली, क्या, एफ ए इक्वल टू 0। अब जो आपसे पूछा है एफ टू ए माइनस एक्स, तो इसको इस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं हम कि ए फॉर्म में आ जाए, तो एफ टू ए माइनस एक्स को हम क्या लिख लेते हैं, इसको
टू ए माइनस एक्स इस फॉर्म में ब्रेक करें कि ये फंक्शन भी हमारे पास हो जाए और ए भी आ जाए, तो टू ए जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस एक्स माइनस ए, इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? इसको वापस सॉल्व करेंगे तो ए माइनस माइनस प्लस, तो ए टू ए हो गया और माइनस एक्स ये फॉर्म बन गया ना, बन गया। इसको हमने इस फॉर्म में कर तो दिया, अब a माइनस एक्स माइनस ए ये लिख तो दिया। अब किस में पुट कर रहे हैं अपन? अब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन ऑलरेडी हमें दे रखी है उसमें उसमें पुट करते हैं। तो ये कंडीशन, इसको अब ये x माइनस वाई पे दे रखा है तो इसको तो बोल देते हैं हम x और इस पूरी टर्म को बोलते हैं y, ये रहे। तो इसके अकॉर्डिंग ध्यान से अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है? तो एफ एक्स माइनस वाई मतलब एफ ए माइनस एक्स माइनस ए, ये आपके पास एक्स हो गया और ये वाली टर्म वाई हो गई। तो क्या सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप इसको? एफ एक्स, एक्स क्या है? ए, ये बन गया इंटू वाई एफ वाई, और वाई क्या आपके पास? एफ एक्स माइनस ए, क्लियर है? और माइनस ऑफ, ये माइनस किया आपने, क्या है? एफ ए माइनस एक्स, तो एफ ए ए माइनस एक्स, ए तो कॉन्स्टेंट है तो ए सॉरी ये ए माइनस एक्स, और एक्स क्या है इसके अकॉर्डिंग आपके पास? ए है, तो ए माइनस ए हो जाएगा, क्लियर हुआ? ये तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग ब्रेक किया हमने, और एफ ए माइनस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं ए माइनस एक्स, तो एक्स क्या कंसीडर था आपके पास? ए था ना, क्लियर हुआ? इनटू एफ ए प्लस वाई, तो एफ ए प्लस वाई, वाई क्या आपके पास? एक्स माइनस ए, क्लियर हुआ? इस फॉर्मूले को लेते हुए चलना है आपको, कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए चलना है, अदरवाइज दिक्कत आएगी हमें, ठीक है? तो एफ ए, इसको एक बार लिख लेते हैं, एफ ए इंटू एफ एक्स माइनस ए, ये क्या बन गया? ए माइनस ए जीरो बन गया ना, और यहां से ए कैंसिल आउट, तो ये टर्म क्या बन गई आपके पास? एफ एक्स बन गया सिर्फ। अब वैल्यूज पुट कीजिए, तो एफ ए की वैल्यू है आपके पास कितनी? जीरो, तो ये टर्म तो जीरो बन गई पूरी, माइनस एफ जीरो की वैल्यू है आपके पास कितनी है? वन है, तो वन इंटू क्या टर्म बच रही है? एफ एक्स। तो ओवरऑल आंसर आपके पास क्या आया? माइनस का एफ एक्स, ये हुआ। किस टाइप से हमने सॉल्व किया? तो एक एक टर्म को हम ब्रेक करते हुए गए, जिससे हमें सिंपल एक आंसर मिल गया माइनस ऑफ एफ एक्स, जो कि ऑप्शन बी है। तो क्लियर हुआ, जो कंडीशन दे रखी है उसको सेटिस्फाई कराते हुए आपने कुछ टर्म्स की वैल्यू निकाल ली, कुछ फंक्शन वैल्यूज निकाल ली और उसको पुट कर दिया, क्लियर हुआ? आया समझ में? अब कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, देन एफ माइनस ए होल डिवाइड बाय एफ बी किसके इक्विवेलेंट होगा? जो कि ऑप्शन दे रखे हैं एफ ए प्लस बी, या फिर एफ ए माइनस बी, या फिर एफ माइनस ए प्लस बी, या फिर एफ माइनस ए माइनस बी। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि एफ एक्स हमें दे रखा है सिंपलेस्ट फॉर्म में ई टू द पावर माइनस एक्स, तो एफ माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी, जहां जहां एक्स है वहां मैं माइनस ए पुट कर दूंगा, तो ई टू द पावर माइनस ए, तो ये बन गया मेरे पास ई टू द पावर ए। एफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ बी की वैल्यू होगी, जहां एक्स है मेरे पास वहां मैं बी पुट कर दूंगा, तो ये हो गया ई टू द पावर माइनस बी। अब एफ माइनस ए अपॉन एफ बी जब मेरे को पुट करने के लिए बोला है, तो एफ माइनस ए की वैल्यू आई थी आपके पास ई टू द पावर ए, और बी कंडीशन के अकॉर्डिंग आई थी ई टू द पावर माइनस बी। अब ई और ई बेस सेम है, तो मैं इसको सेम लिख सकता हूं पर न्यूमरेटर फॉर्म में ही, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ऑलरेडी माइनस में थी तो ए प्लस बी हो जाएगी। तो इस टर्म की वैल्यू आपके पास क्या आई? ई टू द पावर ए प्लस बी। अब देखने में तो आंसर सिंपल सा लग रहा है कि आप ए प्लस बी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लियर करना है कौन सा ऑप्शन क्लियर जाएगा। तो एफ ए प्लस बी के अकॉर्डिंग अगर आप एफ ए प्लस बी पुट करते हैं, तो यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ई टू द पावर माइनस ए प्लस बी, जबकि आपके पास क्या आ रहा है? प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं गया, लेकिन आपको ये क्लियर है कि अगर इनकी वैल्यू माइनस में होती तो ये प्लस बन जाता,
तो दोनों की वैल्यू माइनस में होनी चाहिए थी, तो वो माइनस वैल्यू कहां से मिल रही है, ये वाली टर्म, चाहे चेक कर लीजिए, माइनस ए माइनस बी आप पुट कर रहे हैं कहां पर, एक्स की जगह, तो ई टू दी पावर माइनस माइनस ए माइनस बी, अब माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ई टू दी पावर ए प्लस बी बन जाएगा, माइनस साइन बाहर के कट गया और ई टू दी पावर ए प्लस बी सेम बन गए, कब, जब आपने क्या लेता माइनस ए माइनस बी, क्लियर हुआ। तो ऑप्शन देखने में तो ये लग रहा था कि ए ऑप्शन था, लेकिन एक्चुअल में कौन सा आंसर आया, माइनस ए माइनस बी वाला, क्लियर हुआ। तो जल्दीबाजी में ऑप्शन टिक ना कीजिए, ठीक है, क्लियर हुआ, आया समझ में आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एफ वन इक्वल टू वन एंड एफ एन प्लस वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एन प्लस वन, इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मतलब एन की वैल्यू आपको क्या लेनी है, वन या वन से अबाव, देन एफ एन इज, मतलब एफ एन क्या होगा, किस फॉर्म में हो रहा होगा, टू टू दावर एन प्लस वन या टू टू दावर एन या टू टू दावर एन माइनस वन या फिर टू टू दावर एन माइनस वन माइनस वन। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एफ वन की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो एन की वैल्यू वन या वन से अबाव जब हम पुट करते हैं, जैसे ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, तो अगर n की वैल्यू आप क्या पुट कर रहे हो, n की वैल्यू 1 पुट करी तो ये क्या बन जाएगा, ये f2 बन जाएगा आपके पास n प्लस 1, 1 प्लस 1, और ये बन जाएगा आपके पास 2 f1 प्लस 1, f1 की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास थी कितनी 1, तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1, ये आपके पास कितना मिल गया 3 मिल गया। अगर n की वैल्यू आप 2 पुट कर रहे हो, सीक्वेंस में पुट करोगे तो क्लियर रहेगा आपके पास, ठीक है, तो f n की वैल्यू 2 पुट करी तो ये बन गया आपके f 3 की वैल्यू, 3 की वैल्यू मतलब ट्वाइस ऑफ f 2, f 2 की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल ली कितनी 3, तो 2 3 6 6 प्लस 1 ये आपके पास बन जाएगा 7। अगर n की वैल्यू 3 लेते हैं, एक आध वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये 3 प्लस 1 ये आपके पास बन जाएगा 4, और ट्वाइस ऑफ f 3 प्लस 1, एफ थ्री की वैल्यू कितनी आई थी 7 आई थी, तो 2 7 14, 14 प्लस 1 ये आपके पास आ गया 15। एक और वैल्यू देख लेते हैं, अगर n की वैल्यू 4 ली आपने तो ये बन गया एफ 5 जो कि 2 f4 प्लस 1, तो ये 30 प्लस 1 ये आपके पास बन रहा है 31। इस टाइप से ये चलता जाएगा, ठीक है, एफ एन तक कंडीशन चलती जाएगी आपके पास। तो अब ये फॉर्म कैसे पकड़ में आ रही है, क्या फॉर्म बन रही है, तो हम कंडीशन देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर आपने ऑप्शन लिया 2 टू द पावर n प्लस 1, 2 टू द पावर n प्लस 1, तो ये कंडीशन बननी चाहिए आपके पास कि आपकी सीरीज क्या बन रही है, इस टाइप से बन रही है ना कि f1 f2 इस टाइप से सीरीज बनती हुई आ रही है। तो f1 अगर हम देखते हैं f1 f2 f3 ये टर्म क्या बनती हुई जा रही है, तो f1 की वैल्यू कितनी आई थी 1 थी ऑलरेडी गिवन थी, f2 की वैल्यू 3, f3 की वैल्यू 7, f4 की वैल्यू 15, f5 की वैल्यू 31 एंड सो ऑन, इस टाइप से टर्म बननी चाहिए। तो क्या आ रही है fn, जो कि टर्म क्या बन जाएगी आपके पास 2 टू, अगर n की वैल्यू यहां 1 पुट करी तो n की वैल्यू जब 1 पुट कर रहे तो क्या बन रहा है 2 प्लस 1 3, तो मतलब ये कंडीशन f1 ये fn इसके इक्विवेलेंट क्या नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहां f1 की वैल्यू क्या दे रहा है ये 3 दे रहा है, जबकि f1 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 1, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारे पास। और यहां अगर लेते हैं कि fn इक्वल टू 2 टू द पावर n लेते हैं तो f1 पुट किया तो ये बन गया 2, तो जबकि f1 की वैल्यू कितनी है 1, ये ऑप्शन भी गया हमारे पास। और यहां जब हमने पुट किया सी कि एफ एन हमने कंसीडर किया कि 2 की पावर एन माइनस 1, अब एन की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो एफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है 2 माइनस 1 1, क्लियर है। अगर एक बार एक और चेक कर लेते हैं, एफ 2 की वैल्यू लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, तो एफ 2 की वैल्यू कितनी थी 3 थी, सही है। ये भी एक और चेक कर लेते हैं तो एफ 3 क्यूब 8, 8 माइनस 1 7 आ रहा है, तो मतलब सी ऑप्शन हमें मिल रहा है, क्लियर है। डी ऑप्शन देख लो इसी टाइप से, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो। अब ये टर्म क्या है, n की वैल्यू, अगर आप एफ एन फंक्शन क्या लेके चल रहे हो 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1, n की वैल्यू अगर 1 पुट किया आपने
तो क्या 1 माइनस 1 जीरो, 2 टू द पावर 0 माइनस 1, और किसी पावर भी 0 होती है कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 ये तो 0 बन गया, जबकि एफ 1 की वैल्यू क्या थी आपके पास 1, तो क्लियर हुआ कौन सा ऑप्शन आया सी ऑप्शन। तो पहले तो आपने एक सीरीज बना ली किस फॉर्म में जा रही है, क्लियर हो गया, और हमने फिर ऑप्शन चेक किया इतनी वैल्यूज क्यों निकाली, हो सकता है दो ऑप्शन एक आध वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहे होते तो इसलिए हमने इतनी टर्म निकाल ली कि एक दो वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो हमें क्लियर ऑप्शन मिल जाएगा आयसन में, अदरवाइज ये सीरीज हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे ये जाएगा बाइनोमियल थ्योरम टॉपिक के अंदर, लेकिन ये हीट एंड ट्रायल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं एन की वैल्यू पुट करके, क्लियर हुआ, कर सकते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ फाई एक्स फंक्शन किसमें देखा है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स नहीं क्या देखा है फाई एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है और आपसे पूछा है देन फाई पी का होल क्यूब किसके इक्विवेलेंट होगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कंसीडर करना पड़ेगा कि फाई थ्री पी के इक्विवेलेंट है या थ्री टाइम्स ऑफ फाई पी या सिक्स टाइम्स ऑफ फाई पी या टू टाइम्स ऑफ फाई पी के इक्विवेलेंट है। तो सिंपल सी अगर हम पहले देखते हैं फाई पी फंक्शन हमारे पास फाई एक्स है, आप अगर दिक्कत आ रही है तो फाई को एफ ले लो, जहां जहां फाई लिखा हुआ है उसको एफ लिख दो, ठीक है, तो ये हमारे पास फाइव पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई ए टू द पावर पी, ठीक है, और फाइव पी का होल क्यूब का मतलब क्या हुआ, फाइव पी का होल क्यूब का मतलब हो गया ए टू द पावर पी का क्यूब, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए टू द पावर थ्री पी, तो इसका आंसर ये या फिर ये इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। अब आपको चेक करना है किसके अकॉर्डिंग जा रहा है, अगर मैं फंक्शन लेता हूं फाइव थ्री पी, अगर मैं ए ऑप्शन ले रहा हूं क्या फाइव थ्री पी, तो मतलब क्या है फाइव एक्स फंक्शन था तो आप पुट कर देंगे एक एक्स की जगह क्या पुट करोगे थ्री पी, ये तो क्लियर हो गया ए ऑप्शन से ही मिल गया हमें, ठीक है ए ऑप्शन क्लियर मिल रहा है ना सेम आ गया, और अगर आप पुट करते थे थ्री टाइम्स ऑफ फाइव पी तो फाइव पी अगर आपने पुट किया था फाइव पी तो आपके पास ये था और इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या आंदा था थ्री इंटू ए टू दी पावर पी, जबकि आया क्या था ए टू दी पावर थ्री पी, तो बी ऑप्शन नहीं था सिक्स फाइव पी, तो फाइव पी थी आपके पास ये था, आप इसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे सिक्स इंटू ए टू दी पावर पी, जबकि क्या था ए टू दी पावर थ्री पी, तो ये ऑप्शन भी नहीं था और ये क्या था टू टाइम्स, तो ये सिक्स जगह क्या आ जाएगा टू, तो वैसे तो हमें क्लियर पहले ही मिल गया था लेकिन जब ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो चारों ऑप्शन क्रॉस चेक करने होते हैं, क्लियर हुआ आया आपको समझ में फंक्शन के ये क्वेश्चंस मॉड्यूल के, अब बाकी जो क्वेश्चंस है आप ट्राई कीजिए, आप फिर जो डाउट है डिस्कस कीजिए, क्लियर हुआ।